वायरल हुआ है उसकी बड़ी चर्चा है। और आप हैं और राखी जी आपका कहीं वीडियो बना रही हैं, वो अब वो उसकी पूरी कहानी जानना चाहूंगा। और अब तो वो सब बाहर है और लोग अजीबोगरीब है, लेकिन लोग पसंद है। लोग पसंद कर रहे हैं, ये बड़ी बात है मेरे लिए। और अजीबोगरीब है ये, हमने भी यही सोचा था कि जब हम एक बैंकॉक के लिए एक इवेंट के लिए गए थे, तो मैं और राखी लकीली हम लोग शॉपिंग के लिए चले गए और हम एक मॉल में गए। वो मॉल में एक शॉप में इतने सारे तरीके के सोप्स थे, आई यू कांट बिलीव कि हर ऑर्गन का एक सोप होगा वहाँ पे। वो सोप देख के वी वर लाइक, अरे ऐसे भी सोप होते हैं? तो वो सोप देख के हम मस्ती कर रहे थे। वो मस्ती मस्ती में हमने एक वीडियो बन गया और वो अपलोड कर दिया। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में वो अपलोड हो गया। बाय द टाइम वी थिंक, अरे यार ये तो हमने गलत अपलोड कर दिया, तब तक तो वो लाखों लोगों तक जा चुका था। तो ठीक है, वो मुझे लगता है कि हमने थोड़ा ज़्यादा मस्ती कर लिया उसके बारे में, बट दैट वाज ओनली अ सोप एंड फन के लिए हमने वो वीडियो किया था। बट अगर लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है, मेरे हिसाब से तो बहुत सारे फैंस को पसंद है, बट अगर नहीं अच्छा लग रहा है, सिंस मैंने उसे प्रमोट नहीं किया है मेरे साइड सोशल मीडिया पे, बिकॉज मैं ऐसा एक्ट प्रमोट नहीं करती हूँ एंड आई डोंट डू दिस काइंड ऑफ एक्ट। सो मुझे लगता है कि इसलिए मैंने आपसे बात करना ज़रूरी समझा कि आप उसे इस तरह से मत दिखाइए कि मैं वो प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको उस एक्ट को प्रमोट नहीं किया, वो हो गया। नो, वी कांट ब्लेम टू एनीवन, बिकॉज वी वर जस्ट हैविंग फन। फन वीडियो बनता है, वैसे फन वीडियो बना, लेकिन वो अपलोड होने के बाद समझ में आया कि ये फन वीडियो से कुछ ज़्यादा बन गया है। बट दैट वॉज अ सोप, अभी हम क्या करें, वो अवेलेबल है मार्केट में, हमने उसे देखा और हमने सरप्राइजिंगली उसको यूज़ कर लिया। अब क्या कर सकते हैं बताइए उसके बारे में। बट व्हाट शी डन, इनफैक्ट यू कैन ब्लेम एनीबडी, वी जस्ट डिड द फन वीडियो एंड इट वॉज जस्ट सोप। बट डोंट माइंड, आई हैव सीन अ फिल्म क्वीन, इन दैट कंगना इज होल्डिंग अ डिल्डो। नाउ यू ऑल नो वॉट डिल्डो इज, सो वो तो ऑब्वियसली वो तो ओपनली था कि वो डिल्डो है और वो सेक्स टॉय है। बट मेरे अगर सोप को लेकर के इतना बड़ा बवाल मचा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वाई इतने इतने क्वेश्चंस मुझे किए जा रहे हैं। बट येट ऑफकोर्स, मेरी जो पर्सनालिटी है, मेरा जो आज तक का ऑरा रहा है, मैंने जो अपने आप को लाइफ में रखा है स्ट्रेट लाइन पे, तो मुझे लगता है कि मुझे उस कैटेगरी में नहीं जाना। आई वॉन्ट टू बी आउट ऑफ दैट कैटेगरी। बट ठीक है यार, मस्ती का फन का वीडियो है, उसको मस्ती के हिसाब से लीजिए। डोंट टेक इट वेरी सीरियस दैट आई हैव डन समथिंग वेरी रॉन्ग विच आई हैव नॉट। सी रिसेंटली, आई मीन यू ऑल हैव सीन वन वीडियो विच इज़ लाइक केक कटिंग ऑफ मलाई अमृता अरोड़ा, विच इज़ लाइक केक इन द शेप ऑफ समथिंग। बट आई डोंट माइंड, वॉट्स रॉन्ग इन दैट? अगर एक केक में शेप ऐसा बनाए और उस केक को कटिंग कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है लोगों को? बट आधे लोगों ने उसको नेगेटिव लिया, आधे लोगों ने उसको पॉजिटिव लिया। बट ऐसी चीज़ें तो मार्केट में है, और टॉपलेस तो सारी हीरोइंस कर रही हैं, कहाँ से कहाँ हम पॉर्न स्टार को सर पे बिठा के बैठे हैं। बट मैंने क्या किया, मैंने एक सोप किया, एक सोप को दिखाया। सो अगर कल मुझे उसको एंडोर्समेंट मिलेगा और बहुत पैसे मिलेंगे, तो क्या आपको लगता मैं नहीं करूँगी? बट सिंस मैं एक सीधा साधा लड़की हूँ, इसलिए मुझे पे ब्लेम लगाया जा रहा है कि आपने क्यों किया और बाकी करे तो ठीक है, but it's not fair, I don't think so. Okay, क्या possibility है, मतलब is there a step ahead to be in Big Boss? Though Big Boss is in the line, you want to be wanted to be a part of it? देखो यार, ऐसा है, Big Boss की तमन्ना हर एक को होती है, but अगर Big Boss के लिए मुझे ऐसा कुछ करना होता, तो why अभी? मैं Big Boss के लिए पिछले इतने साल तो चले गए, मैं कर लेती, कब से कर लेती, जो चाहती कर सकती थी। I could have done वॉट एवर रिक्वायर्ड इन बिग बॉस, बट मुझे लगता है कि अगर बिग बॉस मुझे मिलेगा या नहीं मुझे नहीं पता, मिलेगा तो मेरी मेरिट पे मिलेगा, मेरी स्टाइल पे मिलेगा, मेरी मेरे ऑरा पे मिलेगा, मेरा जो
एटीट्यूड है मेरी लाइफ में, मुझे उसके ऊपर मिलेगा। इस तरह के वीडियो करने से बिग बॉस नहीं मिलता, दिस इज़ व्हाट आई फील। तो मैंने ये वीडियो हमने, मैंने या राखी ने जानबूझकर नहीं बनाया, सिर्फ हो गया। अब हो गया तो आई डू रिग्रेट, आई पर्सनली फॉर माई सेल्फ आई डू रिग्रेट। युवराज सिंह जी ने आज संन्यास ले लिया है, मैंने देखा, मैंने उनकी न्यूज़ देखी। देखिए ये पर्सनल मैटर होता है बहुत सारा, एक तो आई थिंक ही इज़ नॉट वेल, एंड कभी कभी आदमी को बहुत तकलीफ होती है जब वो बहुत अच्छा खेलता हो, बहुत अच्छा लाइफ में कर रहा हो, फिर उसको इंटरनेशनली नहीं लिया जाए, डिग्रेड करने वाला होता ना। आई फील ही फेल द डिग्रेटिंग इन हिज आइज़, आई कुड फील द पेन इज इन हिज आइज़। मैं जब वीडियो देख रही थी चैनल पे, जब आ रहा था लाइव देख रही थी, तो मुझे लगा कि यार ये बहुत अर्ली है, इतना अर्ली उनको संन्यास नहीं लेना चाहिए, इट्स टू अर्ली फॉर हिम। बट ये उनकी पर्सनल मैटर है, बट आई फील कि वो जो इंडियन ग्राउंड लेवल पे अगर वीडियो अगर प्ले करेंगे तो सब लोग उनके फैंस पसंद करेंगे उनको। भारत, अभी सीन भारत, भारत पे मत बुलाओ ना, डंडे पड़ जाएंगे अंदर। ठीक है, ओके, चलो फैंस को क्या, सोशल मीडिया फैंस, हां रोल रोल, हां वो एडिट हो जाएगा। ऐसा है, मेरे फैंस दे लव मी द वे आई एम, जैसा मैं हूँ, जैसे मैं चल रही हूँ, ओरिजिनल मेरे फैंस फॉलोइंग हैं। और ऑब्वियसली वो मुझे चाहते हैं कि बोलते भी हैं कि आप मैडम ऐसा करो वैसा करो, तो अगर मैं वो टिकटॉक पे आ जाइए, टिकटॉक पे ऐसा वीडियो बनाइए, ऐसा वीडियो बनाइए, वैसा वीडियो बनाइए, तो मैं वीडियो वही बनाती हूँ जो मुझे सूट करता है। बट मेरे फैंस मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो हमेशा कॉन्स्टेंटली मेरे साथ हैं। और इनफैक्ट इस वीडियो पे भी किसी फैंस ने कुछ बुरा नहीं लिखा, क्योंकि मेरे सोशल मीडिया पे मैंने उसको एंडोर्स नहीं किया। मेरे जो सोशल मीडिया के लोग हैं, मेरे जो फैंस हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे या एफबी पे, तो वो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। और उन्होंने कुछ लीस्ट बॉदर अबाउट इट कि मैं, मेरे से क्या वीडियो हुआ या नहीं हुआ। दे वॉन्ट टू सी पूनम झावर ऑन टॉप, they want to see me on top and happy, and I love my fans